हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं लेकर आया आप लोगों के लिए चिल्ला की रेसिपी। तो यहाँ मैंने लिया है सूजी और नमक, बेसन और ये छाछ। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे थोड़ा सा ऑयल डाल करके। तो देखिए हम इनको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों नॉर्मल चिल्ला तो बहुत खाया होगा, लेकिन एक बार ऐसे इस तरह से मतलब चिल्ला बना कर खाइए जो आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए मैंने सभी को मिला दिया। अब इसमें हम डालेंगे पानी, ऐड करेंगे। हमको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालना, ज़्यादा इकट्ठा नहीं डाल देना, वरना जिसकी मतलब अच्छे से पेस्ट नहीं बन पाएगा और जो डोस हमारा जो चिल्ला वो ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और एकदम परफेक्ट पेस्ट बनकर रेडी होगा। देखिए है ना, एकदम परफेक्ट रेडी हो गया हमारा यहाँ पर चिल्ला का बनाने का पेस्ट। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब हम इसको रख दें साइड में। अब इसको हम डाल दें थोड़ा सा और ऑयल डाल देंगे। हम सब कुछ मिलाने के बाद जो ऊपर से मतलब ऑयल ऐड करते, इसे जो हमारा चिल्ला बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा एकदम डोसे जैसे। तो दो बार ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ मैंने लिया है डोसा तवा, इसमें ऑयल मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया। फिर जो एक्स्ट्रा ऑयल था इसको मैं पोंछ दूँगी कपड़े की हेल्प से, जिससे हमारा चिल्ला बहुत अच्छा बनकर तैयार हो एकदम डोसे की तरह। यहाँ मैंने एकदम डाल दिया है बैटर। और यहाँ मैं तीन चार प्रकार का चिल्ला बनाऊंगी। तो देखिए मेरा फर्स्ट स्टाइल का जो चिल्ला है उस पर मैंने पूरे में फैला दिया था। और मैंने यहाँ पे चीज़ लिया और क्रश करके मैं चीज़ डाल रही हूँ जो सब सच में बहुत पसंद आने वाला सबको। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और अब मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी। आप देख सकते हैं कि जो हमारे चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और नीचे से एकदम ये पक चुका है। हम भी यहाँ पे गैस को एकदम ना हाई रखना है ना लो रखना है, एकदम मीडियम आंच में गैस को रखना है। और देखिए हमारा चिल्ला, ये फर्स्ट स्टाइल का जो चिल्ला था वो हमारा पक्का रेडी हो गया। अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल ले रहे हैं। देखिए लग रहा है ना कि लग रहा है कि हमारे चिल्ला एकदम डोसे जैसा। और जो हमारा सेकेंड स्टाइल का जो चिल्ला है उसमें हम सब्ज़ी ऐड करेंगे जो मतलब हेल्दी भी और टेस्टी भी है। जो हमारा नीचे से जो सक जाएगा चिल्ला उसके ऊपर हम सब्ज़ी डाल देंगे और उसको हम पलट देंगे ऑयल डाल के। ऑयल डालने से क्या होता है, जो हमारा चिल्ला एकदम ड्राई ही बनता और ये सॉफ्ट बनता है। देखिए हमारा चिल्ला ऊपर से भी सक चुका है, नीचे सक चुका है। और जो है सब्ज़ी थोड़ा कच्ची है तो उसको और हम पकने देंगे और उसको हम पलट लेंगे। देखिए मैं सब्ज़ी अच्छे से चिपक चुकी है। अब हम इसको भी अच्छे से इसमें क्रश करेंगे। चीज़ जो हमारी सब्ज़ी है वो अंदर रह जाएगी और ऊपर से चीज़ तो मेल्ट हो जाएगा। और ये हमारा सेकेंड स्टाइल का जो पिज्जा है, सॉरी बेसन का जो चिल्ला वो रेडी हुआ। और तीसरा स्टाइल का हम बना रहे हैं जालीदार चिल्ला। तो देखिए इसको बनाना सच में बहुत ही आसान है, इसको जालीदार चिल्ला बोलते हैं। ये हमारा थर्ड स्टाइल का जो चिल्ला है वो बहुत ही टेस्टी भी बनता है और देखने बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए वो नीचे से सक चुका है, इसको हम एकदम आसानी से इसको पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसको ऊपर से ऑयल ऐसे ग्रीस कर देंगे जिससे हमारी एकदम ड्राई नहीं बनेगा, क्योंकि बेसन सूखने के बाद एकदम ड्राई हो जाता, रूखा हो जाता और खाने अच्छा नहीं लगता। अगर इसको मतलब और भी टेस्टी बनाना, जब आप बैटर बना रहे हैं इसको पेस्ट बनाते उस टाइम आप इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मिला सकते हैं, तो इससे और भी टेस्ट अच्छा आता है। और यहाँ मैंने सब्ज़ियाँ डाल दी हैं ऊपर से, चीज़ को मैंने क्रश करके डाल दिया है और अच्छे से मेल्ट हो चुका है। और इसके ऊपर से मैं फिर से डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल डालना बहुत ज़रूरी है जिससे हमारा जो चिल्ला है वो ड्राई नहीं होगा। और देखिए रेडी हमारा जालीदार चिल्ला। अब हम जो ये सबसे लास्ट है वो छोटे छोटे चिल्ला बनाएंगे और इनके ऊपर हम डाल देंगे सब्जी। जैसे क्या बनाते वो बर्गर बनाते उस स्टाइल में हम बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ मैंने सब्जियाँ डाल दिया है और इसके ऊपर मैं चीज़ क्रश करके डाल दूँगी।
चिली फ्लेक्स डाल दिया और अब मैं इसमें चीज़ डाल दूँगी। ये थोड़ा पक जाएगा तभी हमको चीज़ डालना है। तो मैं चीज़ गैस करके नहीं डाल रही हूँ, कटिंग करके डाल रही हूँ। और इसका जो दूसरा सेकेंड पार्ट है इसके ऊपर से हम रख देंगे। और इसके ऊपर मैं अच्छे से ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको कौन से स्टाइल का मतलब चिल्ला पसंद आया, क्योंकि मैंने यहाँ 3-4 प्रकार का चिल्ला आप लोगों को बता दिया है। और टिफ़िन लंच किसी भी टाइम कोई भी गेस्ट आ जाए झटपट से बन जाएगा चिल्ला, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि घर नॉर्मल सबके घरों में बेसन सूजी पड़ा ही रहता, सब्जियाँ पड़ी रहती हैं। तो ज़रूर ट्राई करिएगा बिना किसी मेहनत के झंझट के। अगर आपके घर में सच में ये चिल्ला बन जाएगा तो आप लोगों घर में बार बार ही बोला जाएगा कि हाँ मुझे चिज्जा मतलब सॉरी चिल्ला फिर से बनाइए। ये चिल्ला खाने बहुत ही टेस्टी है। और जिसको चिल्ला पसंद नहीं होगा, आप लोग सोचते चिल्ला नॉर्मल चीज़ है, तो एक बार इस तरह बनाकर खाइए चिल्ला, आपको बार बार खाने का मन करेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग भी इसको इंजॉय करिए, ट्राई करिए। अगर पसंद आए तो वीडियो लोगों के पास शेयर करिए, आप पसंद आए तो कमेंट करिएगा। और अगर आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का ये चिल्ला कैसा बना और सबको कैसे पसंद आया। अगर आप लोगों को मेरी और वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे आप लोगों को। और मेरी जो और वीडियोज़ हैं उनके लिंक मेरे नीचे लिंक में दी हुई हैं, तो आप लोग उनको ओपन करिए और ऐसे ही आप लोग ट्राई करिए। तो देखिए एकदम आप लोगों सच में आप पिज्जा भूल जाएंगे उनके सामने, इतना अच्छा टेस्टी बनता है। आपको मैं कटिंग करके दिखा दे रही हूँ। और आप इसमें तीखी चटनी मीठी चटनी किसी साथ सर्व करिए, आप लोग बहुत ही मतलब एंजॉय करेंगे ऐसे चिल्ले के साथ।